तो अभी बज रहे हैं 4। वेलकम एवरीवन, खुश रहे खुशिया बाटे। आज है नेक्स्ट डे गोवा ट्रिप में, और अभी हम लोग होटल में थे, रात को रुके हुए थे, और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गोवा ट्रिप के लिए, क्योंकि यहाँ से 11 आवर्स अभी भी ड्राइविंग है। तो चलिए निकलते हैं, सामान पैक हो गया इधर, विमान को ठंड लग रही है, तो चलिए निकलते हैं। तो अभी ये 9 आवर्स 46 मिनट 558 किलोमीटर है, और हम रीच करेंगे 2:05 PM। और अभी बज रहे हैं 4:19 और ये मून इतना खूबसूरत लग रहा है, आई थिंक फुल मून डे है। तो अभी अंधेरा है तो ज्यादा जोर से ड्राइव नहीं कर सकते हैं, और रोड लाइट्स भी इतनी नहीं है यहाँ पे, और 4:30 बजने जा रहा है। और आज क्रिसमस है तो सभी को मैरी क्रिसमस, और आज हमारे यहाँ किसी का बर्थडे है तो उसको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और इधर विवान विवान कैसा लग रहा है? और सुबह सुबह का जर्नी मजा आ रहा है। निकल गया, अब थोड़ी देर में हम देवानगरी में इन होंगे। 200 किलोमीटर है अभी यहाँ से। बचा है अभी, हमें दिखा रहा है 6 आवर्स 32 मिनट्स 337 किलोमीटर्स है, और हम रीच करेंगे 1:31 PM पे, 1:31 पे हम रीच करेंगे ऐसा दिखा रहा है, अगर हम नहीं रुके तो। लेकिन हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, तो रुकेंगे ही अभी, तो वहाँ कुछ टाइम निकल जाएगा। और ये विमान सो रहा है, और ये सर का बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे इनको। दिख रहा है पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए, क्या मस्त व्यू है ये, सूरज दिख रहा है पीछे, बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये, आप सब भी देख सकते हैं, एंजॉय करिए इस नज़ारे को। तो अभी 8 बज रहे हैं और हम लोग अब रुके हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और ये पेट्रोल भी लेना है या डीजल लेना है तो यहाँ डीजल भी ले लेंगे, और होटल पैराडाइज यहाँ थोड़ी देर रुक के ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग चलते हैं। हम अगर कंटिन्यू करते हैं तो हम 1 बजे तक भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा टाइम हो गया था 1:20 पे, हमको रीच दिखा रहा था, बट अभी हम स्टे कर गए तो पता नहीं कितने बजे तक पहुँचेंगे, अगर यहाँ ज़्यादा टाइम लग गया तो फिर 2 बज ही जाएगा पहुँचते पहुँचते। चलो फ़ोन रखो विवान। नाश्ता पानी हो गया और यहाँ पर थोड़ा नाश्ता लिया हमने, और अब हम निकलते हैं यहाँ से।
यहाँ पे डीजल ले रहे थे और यही हमने पास में ब्रेकफास्ट किया, तो ये डीजल ले लेते हैं, फिर डिक्की से कुछ सामान निकालूंगी। विवान को ठंड लग रही है, यहाँ पे ठंड है, पता चल रही है बाहर ठंड है, अच्छी धूप निकलने के बाद भी। बज रहा है और हमारा आवर्स है 4 hours 14 minutes, टाइम है 2:13 PM रीच करने का, और हमारा किलोमीटर अभी बचा है 187 किलोमीटर, तो देखते हैं हम लोग कितनी जल्दी इसको कवर कर सकते हैं। एक जगह ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे तो टाइम बोल देना फ्री। यहाँ पे मिश्रा पेड़ा बोल के एक इंडस्ट्री है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, और यहाँ पे धारवाड़ एरिया है ये, और यहाँ पे मिश्रा पेड़ा बहुत फेमस है, तो हम लोग मिश्रा होके मिश्रा पेड़ा नहीं खाया, ऐसा हो थोड़ी सकता है, तो हम लोग काफी दूर आए, फिर मिश्रा पेड़ा का उतना बड़ा फैक्ट्री वहां दिख गया, वो कंपनी दिख गई, उसके थोड़ा आगे आए, तो फिर मतलब बोला नहीं अब तो लेना है मिश्रा पेड़ा, तो अभी गए हैं मिश्रा जी मिश्रा पेड़ा लेने के लिए, तो आएंगे तो हम लोग खा के बताएंगे कि कैसा लग रहा है मिश्रा पेड़ा, तो वेट कर रहे हैं हम। खोलो इसको, डब्बा खोलो, गुड कर लिए पापा, दो डब्बा देखे, ये है मिश्रा जी के पेड़े, इसमें बहुत सारे पेड़े हैं, हम भी ट्राई कर लेते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत मीठा है, अच्छा है, हाँ पेड़ा अच्छा है, पर ज्यादा ही मीठा है, अच्छा ज्यादा है, इतना शुगर है, बर्बर बिस्किट में भी इतना नहीं होता है, शुगर ज्यादा लग रहा है ना। यहाँ से सही दिख रहा है, अभी 83 किलोमीटर बाकी है और हमको 2 hours 10 minutes लगेंगे, और हमको 60 किलोमीटर इसी पे चलना है अभी, अभी हो रहे हैं 12 बजने वाले हैं अभी, और गूगल मैप ने हमको इस रास्ते पे ला दिया है, रास्ता बड़ा ही सुनसान है, मुश्किल से गाड़ियां दिख रही है, और ये पहाड़ों पे ही चढ़ते जा रहे हैं हमें लग रहा है, दो रास्ते थे, पता नहीं ये कौन सा रास्ता है, गूगल मैप ने इसको दिखाया है, तो ट्राई करें अगर आप आ रहे हैं तो ये रास्ता ना ले। ये रास्ता बेलगावी से लिया था और इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा था, तो लग रहा था रास्ता अच्छा होगा, तो ठीक है चलो थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से जाएंगे, रास्ता ठीक है बट बहुत सुनसान है, और मुश्किल से ही एक गाड़ी दिखने को मिल रही है, पूरा एकदम सुनसान है, अगर कुछ होता है तो आपको कोई हेल्प मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, तो चलिए अवॉइड करिए बेलगामी का रास्ता लेने के लिए, या सोच समझ के ही देख के लीजिए, हमने तो ये रास्ता लिया है, अभी हमको लग रहा है कि ये रास्ता नहीं लेना चाहिए था। ऊपर लोग आ गए, इसलिए तो लग रहा था ना माउंटेन पे चढ़ रहे हैं। माउंटेन जब हम चढ़ रहे थे तभी तो हम लोग अभी जब आ रहे थे ऊपर तो हम लोग माउंटेन चढ़ना शुरू हो गया था, तो हमें लग रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट माउंटेन चढ़ते चढ़ते हमको ये एक व्यू मिला देखने के लिए, और ये सामने जो रोड जा रही है ये हाईवे है, और ये जो रोड है ये हाईवे है, और यहाँ से आपको एक अच्छा सा व्यू मिलता है यहाँ पे, तो आप अगर इस रास्ते से जा रहे हैं तो आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। चलिए पहाड़ पे चढ़ गए हैं गलती से, और हम लोग को नहीं पता था कि हम लोग गलती मतलब ये पहाड़ होगा और बहुत ज्यादा ही नीचे जाने का है, अभी लोग नीचे उतर रहे हैं और मैप में दिख रहा है कि ये पहाड़ है, बट हम लोग को उस टाइम समझ नहीं आया, और ठीक है अभी सुबह है तो उतर जा रहे हैं, तो आप लोग सोच समझ कर के रास्ता चुनिएगा।
काट करके हम लोग शॉर्टकट आए हैं। पहाड़ काट के हम लोग जा रहे हैं। तो भाई साहब हम लोग अभी एक बहुत बड़े पहाड़ से नीचे उतरे हैं, मतलब ड्राइव करके हमें पता ही नहीं चला कि हम कब इतनी ऊंचाई पे चले गए पहाड़ पे ड्राइव करते करते, क्योंकि वैसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि पहाड़ पे चढ़ा रहे, लेकिन जब उतरना हुआ ना तब पता चला था कि पहाड़ पे और इतना टिल्ट और रास्ता मतलब डर जाएंगे वैसा रास्ता था। तो हम लोग पहाड़ से नीचे तो उतर चुके हैं, अब हम लोग चल रहे हैं सीधा। तो ये रास्ता जो भी लेगा वो ध्यान रखे कि ये पहाड़ पे से उतरने का होगा चढ़ने का, अगर ड्राइविंग बहुत अच्छी नहीं है तो केयरफुल रहे इस चीज़ को लेकर के। बाकी ऐसे रास्ता ठीक ही है लेकिन बहुत सुनसान सन्नाटा है पूरे रास्ते में, तो वो देख लीजिएगा क्योंकि कहीं भी स्ट्रीट लाइट और वगैरह कुछ नहीं है। रात को तो ये रास्ता अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुबह के टाइम तो चलिए निकल गया लेकिन रात को तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी इस रास्ते पे। तो चलिए आगे जैसा होता है बताती रहती हूँ। तो हम गोवा पहुंच गए हैं और ये रहा हमारा एक छोटा सा रूम जो हमने लिया है गोवा में, और ये मैं आपको टूर करा रही हूँ। यहाँ पानी का बॉटल, केटल, कॉफ़ी बनाने के लिए सारी चीज़ें हैं, टीवी है, एसी है, जो एक बेसिक रूम में चाहिए होता है वो सब कुछ है यहाँ पे। और ये विमान नहा के निकल चुका है फ्रेश होके, और ये हमारी बालकनी है। का बर्थडे है तो हमने केक ऑर्डर किया था वहाँ पे और फिर केक रूम में आ गया था, बट विमान को इतनी भूख लगी थी कि पेशेंस ही नहीं था तो उसने ज़बरदस्ती उसी टाइम कट करवा लिया खाने के लिए। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच गए थे 220 तक यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे। अब हम लोग नहा वहाँ के फ्रेश होकर लंच के लिए जा रहे हैं। अभी 4:17 हो रहा है और उसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं कहाँ जा सकते हैं, कैसे निकलेंगे। तो चलिए बने रहिए, देखते हैं कहाँ चल रहे हैं। तो हम लोग आगे चेक इन कर लिया था बट मैंने रूम नहीं दिखाया था, मैं आके आपको रूम दिखाऊंगी। अभी चलते हैं बीच की तरफ। तो आप यहाँ से स्कूटी जो है रेंट पे ले सकते हैं और यहाँ पे रेंट है 800 रुपीज़ पर वन डे का, ऐसा पता चला है। क्योंकि अगर बाहर से लेंगे तो शायद बार्गेनिंग करना पड़ता है। देखते हैं कैसा होगा, हम आपको बताते हैं, अपडेट करते हैं। बहुत ऊपर इधर गर्मी भी है इधर से। तो हमको स्कूटी मिल गई है और हम अब पेट्रोल पम्प को ढूंढ रहे हैं कहाँ है, फिर देखते हैं। और बहुत चाहिए, बहुत लंबा चलिए था हमारा और ये रखा यहाँ से। ये मार्केट शुरू हो गया है, ये रास्ता कालिंगुड बीच की तरफ जा रहा है स्ट्रेट, और बहुत सारी शॉप है यहाँ पे। यहाँ पे दवा की दुकान बहुत कम है, उससे ज्यादा यहाँ दारू की दुकान है, तो दवा दारू साथ में आता है ना, तो यहाँ दवा कम है। और देखिए कपड़ों की, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और सेकेंड डे हमारा गोवा पे कैसा रहा आपको देखने को मिलेगा, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए बाय।